तो कैसे हो मेरे ड्रोन के चाहने वालों। तो भैया आज की इस वीडियो में जो ड्रोन लेके आया हूँ ना उसे अनबॉक्स करने में मुझे काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है क्योंकि ये है अपना मेड इन इंडिया ड्रोन, मतलब अपने भारत में बनाया हुआ ड्रोन है। इसका नाम है नाभियान प्रो ब्रशलेस ड्यूल HD कैमरा ड्रोन। तो भाई कितना जबरदस्त नाम रखा गया है, नाभियान प्रो, देख लो क्या फील आ रहा है। बाकी यहाँ पर है इस ड्रोन की एक्चुअल इमेज, उसी के साथ साथ ब्रशलेस मोटर की आपको इसके अंदर सपोर्ट मिलती है। मतलब कहने का यार फ्लाई करने में यार ताबड़तोड़ मजा आने वाला है। उसी के साथ दोस्तों मॉड्यूलर बैटरी मिलती है, मतलब इसकी बैटरी जो है आपको अलग से भी मिल जाएगी। अब क्या कुछ इसके अंदर फीचर्स मिलता है यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहला फीचर है इसका फोल्डेबल डिजाइन, मतलब इसका ये जो है अनफोल्ड और फोल्ड आप इसको दोनों तरीके से रख सकते हो। एडजस्टेबल कैमरा, मतलब आपको इसके अंदर ना इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल वाला कैमरा मिलता है, मतलब आप इसका कैमरा जो है यहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है उसको आप अपने रिमोट कंट्रोल से ऊपर और नीचे कर सकते हो। बाकी थर्ड जो है इसका फीचर वो है एल्टीट्यूड होल्ड, जो कि भाई इस ड्रोन के अंदर बहुत ज्यादा तगड़ा फीचर है क्योंकि जब आपसे कोई ड्रोन फ्लाई करना नहीं आता है तो ऐसे में एल्टीट्यूड होल्ड जिस ड्रोन के अंदर होता है तो आप उसको आराम से फ्लाई कर पाते हो। बाकी फोर्थ क्या है, 1080 पिक्सल और 720 पिक्सल के आपको इसके अंदर डबल HD कैमरा मिलेंगे। अब ये कैमरा ड्रोन के अंदर कहाँ कहाँ पे लगे होंगे वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा वेट करो यार। बाकी फिफ्थ जो है इसका फीचर वो है स्मार्टफोन ऐप कंट्रोल, किसी वजह से आपका जो रिमोट कंट्रोल है गुम हो जाता है तो आप इसको अपने मोबाइल फोन से भी फ्लाई कर सकते हो, या फिर दोनों ही चीजें आपके पास हैं तो भी आप इसको फ्लाई कर सकते हो। और जो इसका लास्ट फीचर है वो है 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क करता है, मतलब काफी तगड़े तरीके से आप इसको फ्लाई कर सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप इसको फ्लाई कर सकते हो। बाकी पीछे में क्या है वही सब यहाँ पर दिखाया गया, जैसे कि इसका एल्टीट्यूड होल्ड है वो ऐसे काम करेगा। बाकी ये है ड्रोन की नीचे से इमेज और 2.4 GHz की फ्रीक्वेंसी का आपको रिमोट कंट्रोल, वही सब मैंने आपको सब फीचर्स के अंदर बता दिए हैं। बाकी चलो बिना देरी करते हैं फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। कैरिंग जो बैग है इसका भाई उसकी क्वालिटी आप एक बार चेकआउट करो, देख रहे हो कितना जबरदस्त बैग इसके साथ में मिला है। अब भाई ये जो ड्रोन है मैंने कहाँ से बाय किया, ये मैंने बाय किया इलेक्ट्रोबोटिक डॉटिंग साइट से, जहाँ पे आपको ड्रोन है नहीं बाकी और भी टॉयज बहुत सारे टॉयज देखने को मिलेंगे। तो वेट क्या कर रहे हो, यहाँ पे मैंने साइट का नाम आपको बता दिया है, बाकी साइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे दिया है। तो भाई यहाँ पर जो है सारी चीजें बैग के अंदर सजाई गई है, देख रहे हो यहाँ पे रिमोट कंट्रोल है, यहाँ पर है हमारा एक्चुअल ड्रोन, उसी के साथ साथ ऊपर में देखो यहाँ पर बैग के अंदर आपको एक पाउच मिलता है जिसके अंदर इतनी बड़ी सी इसकी बुकलेट है। उसी के साथ यहाँ पे क्या क्या है, देखो इसकी मॉड्यूलर बैटरी, मतलब बैटरी को आप अलग हटा के भी रख सकते हो, और मैंने आपको बताया बैटरी जो है आपको अलग से अगर बाय करने तो भी इनके पास में अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। चलो सारी चीजें यहाँ पर, तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी यूजर मैनुअल के बारे में। तो भाई ये है इसकी यूजर मैनुअल, यूजर गाइड, अगर आपने कोई ड्रोन फ्लाई नहीं किया है पहले तो भाई इसका पढ़ना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ से जो है आपको रिमोट कंट्रोल के अंदर कौन सी की क्या वर्क करेगी वो सब मेंशन किया गया है, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना। उसी के साथ साथ क्या क्या चीजें यूज की गई हैं, किस तरीके से आपकी कौन सी की कैसे वर्क करेगी, तो वो सब यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपने कोई ड्रोन फ्लाई नहीं किया इससे पहले, तो भाई जरूर से पढ़ लेना, बाकी रखते हैं इसको साइड में। अब यहाँ पर एक आपको पॉलिथीन पाउच भी मिल जाता है, इसके अंदर है इसकी एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्क्रू ड्राइवर मिलता है जिससे कि आप अपने ड्रोन को रिपेयर वगैरह कर पाओगे। सेकेंडली में आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिलती है, वो भी इंडिकेटर वाली, मतलब आपकी जो बैटरी है अगर फुल चार्ज होगी तो इसके अंदर एक लाइट ग्लो होगी, वो आराम से बंद हो जाएगी, इसका मतलब आपकी बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई है। तो भाई ये सबसे बढ़िया चार्जिंग केबल है। उसी के साथ साथ यहाँ पर थर्ड जो इसके अंदर एक्सेसरीज है वो है इसकी एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स, किसी वजह से आपकी प्रोपेलर डैमेज होती है तो आप उसको रिप्लेस कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू ड्राइवर। तो बाकी दोस्तों इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल, मॉड्यूलर बैटरी और एक्सेसरीज के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं इसके रिमोट कंट्रोल के बारे में। तो ये है इस ड्रोन का रिमोट कंट्रोल, काफी प्रीमियम लुक के साथ में आपको मिलता है। यहाँ पर इसके एंटीनास, भाई एंटीना खोल के ही इसको फ्लाई करना, काफी अच्छी रेंज आपको ये देगा। यहाँ पर इसके ऑन ऑफ का बटन, उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो 1 की टेक ऑफ 1 की लैंडिंग का बटन है। यहाँ से जो है आप रिमोट कंट्रोल से जो ड्रोन का कैमरा है उसको ऊपर और नीचे कर सकते हो, यहाँ से आप वीडियो बना सकते हैं, यहाँ से 360 फ्लिप आप इसको करवा सकते हैं, मतलब रोल वगैरह भी कर लेता है, स्टंट वगैरह, काफी बढ़िया बात है। यहाँ से आप इसके स्पीड मोड को इनेबल कर सकते हैं, तेज हवाएं हैं तो स्पीड मोड लगा के इसको फ्लाई करना, तेज हवा में बहुत आराम से फ्लाई कर लेगा। यहाँ से आपका ड्रोन अप डाउन लेफ्ट राइट रोटेट होगा, यहाँ से फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्ट राइट टर्न होगा। तो भाई काफी बढ़िया सा इसका रिमोट कंट्रोल है। और यहाँ पर है आपका मोबाइल फोन होल्डर,
आप इसके अंदर अपना मोबाइल फोन लगा देंगे कनेक्ट करने के बाद। कैसे कनेक्ट होगा मोबाइल फोन आपका रिमोट कंट्रोल ड्रोन से, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया, देखते रहो ठीक है। बाकी यहाँ पर है इसका सेल कंपार्टमेंट, इसके अंदर आपको 1.5 वोल्ट डबल ए की 3 सेल डालनी पड़ेगी जिन्हें मैं बाद में डालने वाला हूँ। तो बाकी रिमोट कंट्रोल के बारे में हम बात कर चुके हैं, काफी तगड़े इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी अब फाइनली बात करते हैं इस वीडियो के हीरो के बारे में, जो कि है नाभियन प्रो ब्रशलेस मोटर के साथ में आने वाला ये ड्यूल HD कैमरा ड्रोन। बाकी यार ड्रोन की जो लुक है ना वो कितनी ज्यादा कमाल की है, ये आप देखो फ्रंट से देखो साइड से देखो, लुक बहुत जबरदस्त है। और कलर कॉम्बिनेशन जो यूज किया है व्हाइट के साथ में ग्रे फ्रंट में, और यहाँ पे देखो नीचे में ब्लैक टच दिया है जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक है। मतलब ड्रोन के अंदर एक अलग मेरे को वेट महसूस हो रहा है, बाकी ये टॉय कैटेगरी का ड्रोन है इतना ज्यादा वेट नहीं है, लेकिन एक अलग वेट मेरे को महसूस हो रहा है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। यानी कि जितने भी चीजें इसके अंदर लगी है ना वो सारी ओरिजिनल लगी है, और यार ओरिजिनल हो भी क्यों ना, क्योंकि ये है अपना मेड इन इंडिया ड्रोन। तो चलो फाइनली करते हैं इसको अनफोल्ड। तो कुछ इस तरीके से ये ड्रोन अनफोल्ड हो जाता है, और अभी जितने भी ड्रोन आपको मिल रहे हैं उनके साथ में कोई प्रोपेलर गार्ड नहीं आ रही है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ना ब्रशलेस मोटर्स के साथ में आते हैं। अब इस ड्रोन के अंदर क्या कुछ खास है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी, कलर कॉम्बिनेशन और इसके कैमरा, और लास्ट में जो इसके खास है वो है इसके ब्रशलेस मोटर्स। भाई काफी हैवी टॉर्क वाले ब्रशलेस मोटर्स के अंदर यूज किए गए हैं, देख रहे हो चारों ही ड्रोन के मोटर के मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं। बाकी यहाँ पर ये है इसका ऑन ऑफ का बटन, नीचे में है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। इसकी जो बैटरी है ना वो रियल में ही लिथियम आयन बढ़िया वाले सेल जो होते हैं ना उसके साथ में बनाई गई है। मतलब आप ना बैटरी को हाथ में लेते महसूस कर सकते हो कि एक अलग ही वेट है इसकी बैटरी के अंदर। उसी के साथ नीचे में यहाँ पर है इसका सेकेंडरी कैमरा। सेकेंडरी कैमरा जो है 720 पिक्सल का है जो कि काफी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग आपको देता है। यहाँ पर ये है इसका फ्रंट कैमरा जो कि 120 डिग्री वाइड एंगल और साथ में 1080 पिक्सल पे वर्क करता है, जो कि भाई वाइड एंगल में ना बहुत ज्यादा एरिया को कवर करता है। अब कितना एरिया कवर करता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने भी वाला हूँ। यहाँ पर आपको दो इंडिकेटर्स लाइट मिलती हैं जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपका नाभियन प्रो जो है ना वो भी फिलहाल ऑन कंडीशन में और फ्लाई हो रहा है। तो ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर इसका ऑन ऑफ के लिए बटन मिल जाता है, तो जैसे मैं इसे ऑन करता हूँ एक अलग से साउंड आती है, और इसके अंदर ना आपको काफी ज्यादा इंडिकेटर लाइट मिलेंगी, जैसे फ्रंट में आपको ग्रीन कलर की और पीछे में आपको रेड कलर की लाइटें मिलेंगी, और फ्रंट में तो यहाँ पर देखो नाभियन प्रो की ब्रांडिंग है, उसी के साथ में आपको व्हाइट भी मिलती है। और रात के टाइम जब आप इसको फ्लाई करोगे तो अंदर में भी ब्लू कलर की और व्हाइट कलर की लाइट जो इंडिकेट करती हैं, जो कि आपको हल्की हल्की थोड़ी बहुत दिखाई दे रही होगी। बाकी दोस्तों ड्रोन मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा लुक वाइज। बाकी अभी चेक कर लेते हैं इसकी फ्लाइंग कैसी है। उसी के साथ इसका वाइड एंगल कैमरा जो है 1080 पिक्सल, उसी के साथ सेकेंडरी कैमरा 720 पिक्सल, कैसी आपको पिक्चर क्वालिटी जैसा है, वो कैसे कनेक्ट होता है मोबाइल फोन से। तो चलो फटाफट से क्या करता हूँ आपको सब कुछ डेमो में करके दिखाता हूँ। फाइनली अभी देखो मैंने अपना ड्रोन जो यहाँ पर ऑन कर लिया है, ठीक है अभी अपना ड्रोन फाइनली ऑन है। तो अभी रिमोट कंट्रोल को भी मैं ऑन कर लेता हूँ, और ये देखो ठीक है तो कैलिब्रेट कर रहा हूँ फाइनली मैं इसको, तो देखो ये कैलिब्रेट हो रहा है, मतलब अब आपका ड्रोन जो है क्या अच्छे तरीके से फ्लाई होगा। अभी क्या करता हूँ इसको मैं आपको ऐप से कंट्रोल करके दिखाता हूँ, यानी कि ऐप से कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपना ब्लूटूथ वगैरह सब बंद करेंगे, वाईफाई को हम ऑन करते हैं। वाईफाई को हम जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पर एक नेटवर्क हमें शो होगा, ये देखो ये रहा ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप VSFPV Pro इस नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर ठीक है, ये देखो सेटअप कैलिब्रेट यहाँ से, बाकी मैंने कैलिब्रेट वगैरह सब कुछ कर लिया, स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैं फाइनली स्टार्ट अभी से कर रहा हूँ तो ये देखो वाइल यूजिंग दिस ऐप अलो कर देते हैं, और देखो रियल टाइम जो वीडियो अभी चल रही है भाई फिलहाल, जो कि ड्रोन का कैमरा भी आपको शो कर रहा है ना सब कुछ, वो सब आपको रियल यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ठीक है। ये देखो तो ये मैं इनेबल करता हूँ इसका 1G टेक ऑफ वाला बटन, और ये अपना ड्रोन जो है भाई टेक ऑफ होकर एक सर्टेन हाइट पे आ गया, जो कि इसके अंदर एल्टीट्यूड होल्ड आपको मिलता है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस ड्रोन को बहुत आराम से इजीली फ्लाई कर पाओगे, और लेके जाता हूँ थोड़ी सी ऊंचाई पे। तो वीडियो में साथ में ही चल रही है यहाँ पर इसकी कैमरा फुटेज, और अभी मैं ड्रोन को एक हाइट पे लेके आ चुका हूँ, और हाइट पे जाने के बाद ड्रोन जो है भाई काफी ज्यादा स्टेबल हो गया है। कैमरा फुटेज में आप देख रहे हो बिल्कुल भी जीरो शेक है, क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत भी अनस्टेबल होता तो कैमरा डिटेक्ट कर लेता, मतलब उसके वीडियो के अंदर ना थोड़ा शेक आ जाता है। लेकिन देखो आप कैमरा फुटेज के अंदर आप गौर से देखो भाई बिल्कुल स्टेबल है ये ड्रोन,
फ्लाइंग पर्पज से ड्रोन अच्छा है ही, लेकिन इसका कैमरा जो है ना वो 120 डिग्री वाइड एंगल है, साथ में 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन पे वर्क करता है, जो कि भाई एक टॉय ड्रोन के अंदर बहुत ही ज्यादा तगड़ी चीज दे दी इन्होंने। और सबसे अच्छी बात कि आप इसके कैमरा को जो है ना अपने रिमोट कंट्रोल की हेल्प से ऊपर और नीचे में कर सकते हो, मतलब आप इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। तो यार रेंज भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बिल्कुल भी लैग नहीं करता है। देखो एक बहुत ऊंचाई की हाइट पे लेके जा रहा हूं मैं ड्रोन को, लेकिन उसके बावजूद भी ड्रोन का जो कैमरा है ना वो बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा है। रियल टाइम वीडियो जो है अभी आपको आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी, ये देखो साइड में मैंने बिल्कुल चला रखी है। तो मतलब यार नाभियान प्रो जो ड्रोन है ना वाकई में ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, मतलब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई कैमरा लैग नहीं करना चाहिए, स्टेबल फ्लाइंग होनी चाहिए, मतलब हर एक चैलेंज को ना ये ड्रोन पूरा कर देता है। बाकी अगर आपको इस ड्रोन का प्राइस जानना है तो electrobotic.in साइट पे आप विजिट कर सकते हो। उनके पास ये ड्रोन ही नहीं, उनके पास और भी काफ़ी टॉयज़ हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और सबसे अच्छी बात यार अपने मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है तो मे भी आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। तो बाकी कैमरा पे वापस आता हूँ, कैमरा फुटेज में भाई देखो मैं गांव का रहने वाला हूँ, गांव के अंदर क्या खेत वगैरह ज़्यादा होते हैं, खेतों के रास्ते होते हैं, तो भाई इस वीडियो के अंदर आप देखो कैमरा फुटेज में हर एक चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सी चीज़ कहाँ पे है, चारों तरफ ग्रीनरी है लेकिन उसी के बीच से रास्ते भी जा रहे हैं, तो भाई हर एक चीज़ तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो। और ग्रीनरी कितनी ज़्यादा प्यारी आ रही है इसके कैमरा के अंदर, मतलब कहने का ये मुझे ड्रोन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। बाकी आपको ये ड्रोन कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हो। तो एक और ड्रोन था जो मैंने अनबॉक्स किया था जिसका नाम था गरुड़ा, लेकिन अभी उसका नाम भी थोड़ा चेंज हो गया है, तो आप उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा। बाकी बात करता हूँ उसकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी जो है ना मैंने आपको पहले ही बताया था वो ओरिजिनल लिथियम आयन सेल से बनी हुई है, मतलब उसके अंदर अलग ही वेट है। और वो जो बैटरी है एक टाइम चार्ज होने के बाद 12 से 13 मिनट का आपको फ्लाइंग टाइम दे देती है, जो कि यार एक टॉय ड्रोन के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लाइंग टाइम हो जाता है। बाकी वापस यार मेरे को कैमरा इसका बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा, आपको कैसा लगा आप भी यार कमेंट करके थोड़ा बहुत मेरे को बताओ। बाकी मेरे को तो फ्लाइंग वाइज और कैमरा वाइज ये ड्रोन बहुत ही ज़्यादा बिंदास लगा। अगर आप भी मेरे तरह ड्रोन्स वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं और अपने लिए एक बेस्ट ड्रोन लेने की सोच रहे थे तो मे बी यार ये नाभियान प्रो ड्रोन जो है ना आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होने वाली है। सबसे अच्छी बात कि आपको इसके अंदर ना बढ़िया वाले मोटर्स मिलते हैं जो कि ब्रशलेस मोटर्स होते हैं, मतलब मोटर जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। उसी के साथ साथ इसकी स्टेबिलिटी आप चेकआउट करो भाई। और सबसे प्यारी लगी मुझे इसकी कैमरा क्वालिटी भाई, इस प्राइस रेंज के अंदर ना कैमरा तो छोड़ो मतलब ढंग से कोई चीज़ भी नहीं आती है, और ये ड्रोन आपको हर एक चीज़ वो ऑफ़र कर रहा है, बढ़िया फ्लाइंग ऑफ़र कर रहा है, बढ़िया बैटरी ऑफ़र कर रहा है, उसी के साथ बढ़िया कैमरा क्वालिटी ऑफ़र कर रहा है, वो भी डबल कैमरा के साथ में 1080p, उसी के साथ 720 पिक्सल, और सबसे अच्छी बात 120 डिग्री वाइड एंगल पे वर्क करता है। तो अभी देखो मैं ड्रोन को जो काफ़ी पास से फ्लाई कर रहा हूँ भाई, कोई ये लैग नहीं कर रहा है। अगर तेज़ हवाएं तो 3 स्पीड मोड होते हैं इसके अंदर, उनको लगाओ भाई बहुत तेज़ी से आगे पीछे दाएं बाएं भाग जाता है। और देखो मैं खुद को ना अपने आप को इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ भाई, अपने आप को एक वीडियो बनाना देख रहे हो, आइडेंटिफाई करवाना वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो मैं पीछे से दिखा रहा हूँ मतलब अपने आप को, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई इस ड्रोन को फ्लाई करने में, दाएं बाएं आगे पीछे बहुत तेज़ी से हो जाता है, मतलब कहने का ये है ड्रोन मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा। बाकी दोस्तों आपको ये ड्रोन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पर आप नए हैं और भी अच्छी ऐसी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर देना। तो चलो अभी क्या करता हूँ, 1 की लैंडिंग वाला बटन दबा के इस ड्रोन को जो है भाई मैं नीचे कर देता हूँ। आज की वीडियो में हमारा यही सब रहेगा, बाकी अगर ड्रोन लेने की सोच रहे हो तो electrobotic.in साइट पर आप विजिट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।